हेलो एवरीवन गाइस, यूएस की रेटिंग एजेंसी है जो एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, फिच FITCH, उसने कल देर रात को जो उनकी रेट, एक तो ये लोग सारे काम पता नहीं देर रात को क्यों करते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। अपना टाइम डिफरेंस है, आई अंडरस्टैंड यूएस इंडिया, यूएस ग्लोबली टाइम डिफरेंस है, बट ये जब खबरें आती है यूजुअली इवन इन इंडिया लोकल खबरें बहुत लेट लेट आती है या तो वीकेंड पे आती है। एनीवे, फिच हैज़ डाउनग्रेडेड द यूएस सॉवरेन रेटिंग, और ये डाउनग्रेड हुआ है, मतलब आप समझो पहले ट्रिपल ए ए ए ए रेटिंग था, उससे वन नॉच डाउनग्रेड करके उसको किया है डबल ए प्लस। नाउ वन डाउनग्रेड, पिछली बार जब ऐसा डाउनग्रेड हुआ था वो बराक ओबामा के टाइम 2011 में हुआ था, वेन द US ट्रेजरी के ऊपर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं था। और आपको याद होगा जैसा डेट सीलिंग अभी रेस किया US ने, May 31st का डेडलाइन था। यू कैन सी माई वीडियोज़ इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पुराने जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा, वी हैड डन अ फुल सीरीज़ कि US डेट क्राइसिस क्या है, कैसे हर बार US डॉलर छाप के अपना ही कर्ज़ा बढ़ाता है और अपने ही डॉलर से उसको चुकाने के लिए वापस वो कर्ज़ा छापता है, तो वो विशियस सर्कल में US इकोनॉमी और देयर बाय वर्ल्ड इकोनॉमी घूम चुकी है, बिकॉज डॉलर इज़ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। बिसाइड्स द पॉइंट, ये लास्ट टाइम हुआ था 2011 में, उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, उभर रहे थे हम लोग 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से, बट ऐसा हुआ था उस वक्त में। और इस बार में बहुत ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बेसिक डिफरेंस इज दैट टाइम द ग्लोबल इकोनॉमी वॉज फ्रेजाइल, दिस टाइम द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ सस्टेन्ड कोविड, सस्टेन्ड पोस्ट कोविड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ US इकोनॉमी इज़ इन अ रिवाइवल मोड, US की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबल इकोनॉमी ने सस्टेन किया है, एंड काफ़ी सस्टेन करने बैक एंड फोर्थ के बाद में अब ये टाइम आया है दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, इंक्लूडिंग US। वो लोग भी अगर आप उनके क्वार्टरली नंबर्स देखोगे, जॉब्स डेटा वगैरह वगैरह, इफ़ यू सी देयर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, मच हायर देन इवन द US फेड चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड। इसलिए वो अभी फेड इंटरेस्ट रेट्स अभी काटने के लिए 2023 एंड से मुझे लगता है दे विल स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, विच विल हेल्प लिक्विडिटी, गेट मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अब चक्कर ये है कि आप सोच रहे हो फिर क्यों किया क्यों फिच को इतनी आज़ादी है। एक बात तो है, वहाँ की जो एजेंसीज़ है उनको आज़ादी तो है कि वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल प्रेशर में आए बिना वो अपने खुद के एनालिसिस पे अपनी ही कंट्री को डाउनग्रेड कर देते हैं। और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है तो उसका पूरा इम्पैक्ट ग्लोबली आता है गाइस। तो क्यों किया, क्योंकि इफ़ यू नोटिस द सॉवरेन गारंटी जो आती है वो करेंसी से आती है और गवर्नमेंट से आती है और फिस्कल सिस्टम से आती है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर कुछ महीने पहले जाएं तो सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ, जिस तरह सरकार उस वक्त इतनी तितर बितर हो गई, आई मीन दे वर इन शैम्बल्स कम्प्लीटली, द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू प्रैक्टिकली हैंडल दैट बैंकिंग पूरा सिस्टम। आपको याद होगा जनवरी का जो महीना था जब भी ये कोलैप्स हुआ, पूरा US फाइनेंशियल सिस्टम एक तरह से एक हैंगिंग इन द बैलेंस था और बहुत कुछ उस वक्त गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर डिपेंड करता था। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो बाइडन साहब है, जो बाइडन, उनकी जो सरकार है वो इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स है गाइस, तो माफ़ करना अगर आपको पसंद नहीं है, बट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे मिक्स हो गया है US में भी और ग्लोबली भी। So the Democrats are known to be more socialist and Republicans are known to be completely capitalist. तो जो डेमोक्रैट्स हैं, ये ओबामा के टाइम पर भी यही हुआ था, डेमोक्रैट सरकार थी 2011 में भी यही करते थे। ये डेमोक्रैट्स क्या करते हैं, जो बाइडन इज़ ऑल्सो डेमोक्रैट ओनली सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट लोन माफ़ कर देंगे, बहुत सारे सोशल स्कीम्स के नाम पर पैसे बांटेंगे और कम ब्याज में, मतलब पूरा लोड सरकार लेगी ब्याज का और कस्टमर को कम इंटरेस्ट देना पड़े, ऐसे सब स्कीम्स चलाते हैं। तो स्कीम चलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या, पूरा जो प्रेशर है वो वहाँ के बैंक्स पे आता है, एक दो बैंक डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं, जैसे फॉर वॉट एवर रीज़न इट हैपेंड सिलिकॉन वैली बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ, बट वो स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है,
तो स्टार्टअप फंडिंग इज अ कैपिटलिस्टिक थिंग एंड दिस पुअर पो पुअर पॉलिसीज इज अ सोशलिस्ट थिंग. सो बेसिकली ये फाइट है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में, जिसमें अक्सर कैपिटलिज्म थोड़ा सफ़र करता है बिकॉज अल्टीमेटली जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट. कमानी सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ही का डायलॉग था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो अभी लाठी किसकी है? जो बाइडन फिलहाल. तो भुगतान भी हमारे कैपिटलिज्म यानी मार्केट्स को ही करना पड़ेगा. सो अगले साल वहाँ इलेक्शन है, तो दे वुड नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिसरप्शंस कमिंग ड्यूरिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो. वो भी एक चक्कर है. लेकिन मुझे लगता है जो वर्स्ट होना था वो हो गया है. अभी यहाँ से थोड़ा बहुत बुल मार्केट में करेक्शन आएगा, जो लाजमी है, जो आना भी चाहिए, हेल्दी करेक्शन है. अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट लेवल मेंटेन करके चलता है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, 19,000 एज अ साइकोलॉजिकल लेवल जब तक इंटैक्ट है, और उसके नीचे वर्स्ट केस 18,700 जब तक इंटैक्ट है, तब तक तो आई डोंट थिंक देर इज़ अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल. करेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग. करेक्शन कंसिस्टेंट हो रहा है और ट्रेंड रिवर्स होना इज़ अ डिफरेंट थिंग. वी आर स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड. ये आज फिच के ऐसे नाटक के वजह से एक बहाना मिल गया लोगों को प्रॉफिट बुक करने का. तो आप देखो निफ्टी में भी ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आया. इट्स नॉट निफ्टी ड्रिवन करेक्शन नहीं है ये. जब भी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से करेक्शन आता है, निफ्टी हमारा एक दो दिन में, तीन दिन में बाउंस बैक ज़रूर करता है. बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग है, दिस इज़ नॉट सेलिंग. दोनों में फ़र्क है. जिसने प्रॉफिट बनाया वो अभी बुक करके पैसा घर लेके जा रहा है. तो जब सेलिंग होती है, सेलिंग क्यों होती है, लोग डरते हैं और उसमें अफरा तफरी में बेचते हैं, वो माहौल अभी आया नहीं है. आई डोंट थिंक इस बार ये फिच के रेटिंग से इतना फ़र्क पड़ेगा. दे हैव जस्ट गिवन अ एक बहाना दे दिया लोगों को कि बुकिंग करो, प्रॉफिट बुक करो. मुझे लगता है 19,330 तक तो ये बहुत हेल्दी करेक्शन है. 19,330 हम नहीं तोड़े तो अच्छा है. वो तोड़ा तो 19,000 ना तोड़े तो बहुत अच्छा. वो भी टूट गया तो 18,700 में कहीं ना कहीं निफ्टी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा. अभी फ़िलहाल एज आई स्पीक निफ्टी 19,400 को स्ट्रगल कर रहा है बचाने के लिए. लेकिन भाई हमारा लेवल तो 18,700 का है, तो मेरे पास तो और 700 पॉइंट का करेक्शन, मतलब 4-5% करेक्शन और आ जाए तो भी हम विदस्टैंड कर सकते हैं. विदस्टैंड मतलब क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है, बिकॉज आपको बैठना ही पड़ेगा करेक्शन के टाइम में. यू आर टेस्टेड एट अ बिहेवियरल लेवल, आपको पकड़ के रखना ही है अपने हाई क्वालिटी स्टॉक्स. तो ये चक्कर हुआ है बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे. काफ़ी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, फिच ने पूरा गेम बदल दिया. इट हैपन्स यार, सब कुछ एक लाइन में चल रहा होता है, कोई ना कोई बीच में आके कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर नए इन्वेस्टर एंटर करते हैं. नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो न्यू इन्वेस्टर को एंट्री का चांस ही नहीं मिलेगा ना गाइज, वो तो हमेशा बैठ के देखता रह जाएगा. सो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल एंड बी रियलिस्टिक. दिस इज़ नॉट अ करेक्शन, दिस इज़ नॉट अ क्रैश, इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन. I'll see you in the next video very soon. Till then, as always, keep profiting, guys.